एक गांव में एक पुराना खंडर था। उस खंडर के पास से जो व्यक्ति गुजरता था, एक हाथ जमीन से बाहर निकलकर उसे जमीन के अंदर खींच लेता था। बचाओ, बचाओ! अरे भाई कोई है! अरे भाई कोई तो मुझे बचाओ! गांव के बहुत से लोग लापता हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के लोग जा कहां रहे हैं। अरे भाई सुरेश, तुम्हें पता है कल रात से बिरजू का कोई अता पता नहीं है। भाई ये बहुत गंभीर मामला है, हमें चलकर सरपंच से इसके बारे में बात करनी होगी। और फिर सब गांव वाले मिलकर ये तय करते हैं कि कोई भी व्यक्ति रात होने के बाद खंडर की तरफ नहीं जाएगा। फिर जब बहुत दिनों तक कोई भी व्यक्ति उस खंडर के पास से नहीं गुजरता, तो वह कटा हुआ हाथ परेशान होकर जमीन से बाहर निकल आता है। अरे ये क्या है भाई? अरे अरे मर गए रे, ये तो कटा हुआ हाथ है, ये तो किसी भूत का हाथ लगता है। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भागो रे! फिर मंगल भागने लगता है। अरे गांव वालों, वो कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकल चुका है, कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। फिर मंगल जल्दी से भागता हुआ अपने घर के अंदर घुस जाता है। अरे बाल बाल बच गया रे, आज तो मेरा काम तमाम ही हो गया था। फिर वह हाथ भी उसका पीछा करता करता गांव में पहुंच जाता है। सब गांव वाले अपने अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। फिर वह हाथ लोगों के घरों के दरवाजे पे जाता है और दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वह हाथ आगे बढ़ जाता है, वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह अपने घर के आंगन में सो रहा होता है। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? अरे ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान मेरी रक्षा करो! फिर वह हाथ उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है और उसी खंडर के पास पहुंचकर उसे भी अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। अरे भाइयों, तुमने देखा वो कटा हुआ हाथ? कैसे उसे उठाकर अपने साथ ले गया? चलो हम सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। फिर कुछ गांव वाले मिलकर उस हाथ का पीछा करते हैं और पीछा करते करते वह उसी खंडर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर वह सब लोग हैरान परेशान होकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। फिर सुबह होने पर, सरपंच जी कल तो हद ही हो गई, अब तो वो कटा हुआ हाथ हमारे गांव तक पहुंच गया है। अब अगर हमने उसका सामना नहीं किया तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सही कहते हो मंगल, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर वो हाथ हमारे लोगों को उठाकर कहां ले जा रहा है। अगर हमें उसका खात्मा करना है तो पहले हमें उसके ठिकाने के बारे में पता लगाना होगा। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी, जिससे हम उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों में रस्सी बांध ले और वो कटा हुआ हाथ उसे अपना शिकार बना ले, तो हम उस रस्सी का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी तरकीब तो ठीक लगती है मंगल, लेकिन अपने पैर में रस्सी बांध कर कौन बलि का बकरा बनना चाहेगा भला? अरे भाई कोई है जो उस कटे हुए हाथ के सामने जा सकता है? सब गाँव वाले एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। क्या पूरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके? सरपंच जी, मुझे लगता है ये काम रघुवीर चाचा कर सकते हैं, वैसे भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। अरे तेरा नाश मीटे, मुझे उस शैतान का भोजन बना के भेजने की बात कर रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम गांव वाले किसी और को ढूंढ लो, भला अभी कोई मेरी मरने की उम्र थोड़ी ना है। लेकिन रघुवीर चाचा, इस गांव में सबसे बुजुर्ग तो आप ही हैं, इसलिए ये काम तो आपको ही करना होगा। ए सरपंच, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला। फिर सब गांव वाले जबरदस्ती रघुवीर चाचा को रस्सियों से बांधकर उन्हें खंडर की ओर ले जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम्हारा नाश मीटे, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो भाई, मैं दिखने में ही बूढ़ा लगता हूँ, लेकिन अंदर से मैं अभी भी जवान ही हूँ भाइयों। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। फिर सब गांव वाले चाचा को उस खंडर के पास उतार देते हैं और खुद वहां से भागकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अरे नाश मिटो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कहीं वो कटा हुआ हाथ सच में यहाँ ना आ जाए। हे भगवान,
ये इंसानों ने तो मुझे धोखा दे दिया, आप ही मेरा साथ दे दो। तभी वह कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकलता है। सब गांव वाले छुप छुप कर उसे देख रहे होते हैं। अरे मर गया रे, अरे नास मिटो, जल्दी बाहर आओ, देखो वो कटा हुआ हाथ बाहर आ गया है। कहाँ छुप कर बैठे हो, जल्दी बाहर आओ, नहीं तो यह हाथ मुझे अपने साथ जमीन के अंदर ले जाएगा। अगर हम अभी बाहर निकल कर गए तो वो हाथ इतने सारे गांव वालों को देखकर डर जाएगा और वापस जमीन के अंदर चला जाएगा, फिर हम कभी उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। तभी वह हाथ चाचा की टांग पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, अरे गांव वालों मुझे बचा लो, ये हाथ मुझे जमीन के अंदर लेकर जा रहा है। फिर देखते ही देखते वह हाथ चाचा को अपने साथ जमीन के अंदर खींच कर ले जाता है। फिर सब गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये तो सच में चाचा को जमीन के अंदर ले गया, अब क्या करें? हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने चाचा के पैर पर रस्सी बांधी हुई है, अब इस रस्सी की मदद से हम उन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से यहाँ खुदाई शुरू करो। फिर सब गांव वाले मिलकर वहाँ खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने पर उन्हें वह जमीन के अंदर एक गुफा बनी हुई दिखाई देती है। मंगल भाई देखो, यहाँ तो एक गुफा भी है, ये रस्सी भी इसी ओर जा रही है, चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, ये जरूर हमें उस कटे हुए हाथ के ठिकाने पर पहुँचा देगी। फिर सब गांव वाले उस रस्सी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वह उस शैतान के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। उन्हें सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है, उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं और वहीं पास में सब गांव वाले एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे भाई वो देखो, यहाँ तो चुड़ैल है। हमें तो लगा था कि ये सब उस कटे हुए हाथ का काम है, लेकिन भाई यहाँ पर तो पूरी की पूरी चुड़ैल निकली। मुझे लगता है आज हम बहुत बुरा फंसने वाले हैं, यहाँ आकर हमने खुद अपनी मौत तय कर दी है। अरे भाई डरो नहीं, वो देखो उस चुड़ैल ने इन सब गाँव वालों को अभी मारा नहीं है, सिर्फ उन्हें कैद किया है। इसके पीछे जरूर इस चुड़ैल का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। लेकिन भाई हम यहाँ आ तो गए हैं, अब आगे क्या करना है? तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या? ए गांव वालों, बस कुछ ही देर और फिर मैं तुम सबके हाथों को काट कर उनकी बलि दूंगी, फिर मेरे ये दोनों हाथ वापस मेरे शरीर से जुड़ जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, ये चुड़ैल इन सबके हाथ काटना चाहती है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन भाई इसे रोकें कैसे, हम इसके सामने गए तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगी, क्या करें? ये चुड़ैल अपने हाथों के बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें बस इसके दोनों हाथों को अपने वश में करना होगा। वो देखो भाइयों, लगता है सबसे पहले वो इन्हीं की बलि देंगे, तुम जल्दी जाओ और उन्हें वहाँ से आजाद करवा कर लाओ। फिर गोपी दबे पांव जाता है और चाचा के पास पहुँच जाता है। अरे नास मीटे, मुझे जल्दी आजाद करवा, नहीं तो ये चुड़ैल मेरी बलि दे देगी। अरे चचा ज्यादा शोर मत मचाओ, अगर चुड़ैल ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। अरे मंगल, तूने ही मुझे मौत के मुंह में धकेला था ना, तू एक बार वापस गांव चल, फिर मैं तेरी खबर लूंगा। चाचा अभी मैं एक गलती और करने वाला हूँ, उसके लिए पहले से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे अब तू ऐसा क्या करने वाला है, है? फिर मंगल रघुवीर चाचा को उठाता है और उन्हें चुड़ैल के सामने ले जाता है। ए चुड़ैल, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे मर गया रे, अरे गांव वाला तुम्हारा नास मीटे, कितनी बार मुझे बलि का बकरा बनाओगे? फिर वह दोनों कटे हुए हाथ चाचा पर हमला कर देते हैं। अरे मर गया, अरे अब मैं नहीं बचूंगा। अरे नासमीटो देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। अरे तभी एक गांव वाला जाता है और दोनों हाथों पर खंजर से हमला कर देता है और उन्हें काट देता है। अरे बच गया रे, बाल बाल बच गया। अरे ये क्या हो गया, गांव वालों तुमने ये क्या कर दिया, मेरे दोनों हाथ ही काट दिए, इनके बिना तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। तब मंगल जाकर सब गांव वालों को आजाद करवाता है